पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। कांडी मुख्य बाजार जहां सुबह के 6 बजे से रात 9 बजे तक चहल पहल देखने को मिलती है, पर इन चहल पहल पर एक और कोरोना की नजर तो लगी ही थी। दूसरी समस्या वहां पर और चार चांद लगा रही है सब्जी बाजार वाली गली में जल का जमाव। जल जमाव इतना ज्यादा है कि वहां से होकर गुजरने वाले राहगीरों को घुटने भर पानी से होकर गुजरना पड़ता है। पर चिंता की बात तो अब आती है कि सरकार की नजर उस जल जमाव पर क्यों नहीं पड़ती। इस जल जमाव से आसपास के लोग इतने परेशान हो गए हैं कि सोमवार की दोपहर में वहां के स्थानीय युवा तथा समाज सेवी ने मिलकर सड़क पर जमे पानी में धान की रोपाई कर दी। धान की रोपाई करने के बाद जिला परिषद उम्मीदवार व समाज सेवी निदेश दिनेश कुमार ने कहा कि कांडी बाजार स्थित इस सड़क की स्थिति को देखकर दया आ गई कि यह सड़क किसी के चलने के जब काम नहीं आ रही है, तो कम से कम यदि अच्छी वर्षा हुई तो धान की फसल तो तैयार हो जाए, ताकि वह जब तैयार हो तो धान मिल सके। इसलिए हम सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि सड़क पर धान की रोपाई की जाए। पूर्व कांडी मुखिया दामोदर मेहता ने भी खराब सड़क का विरोध किया और धान की रोपाई करने हेतु कहा कि यदि मुख्य बाजार से सड़क के किनारे एक नाली का निर्माण कर दिया जाए और जल की निकासी उसी में दिया जाए तो इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। पर इस ओर कभी किसी सरकारी अधिकारियों का ध्यान जाता ही नहीं है। मौके पर जिला परिषद प्रत्याशी दिनेश कुमार, पूर्व कांडी मुखिया दामोदर मेहता, इस्माइल अंसारी, प्रिंस सिंह, सोनू कुमार, सचिन कुमार, लक्ष्मण विभूति, विशाल, मनी सहित कई युवा शामिल थे।